हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। आइए मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बनाते हैं हेल्दी मसाला मिल्क। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चलिए इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके लिए 1 कप दूध लिया है। ये मैं जार में डाल दूँगी। ये मिल्क को आप गर्म भी बना सकते हैं और ठंडा भी बना सकते हैं, जैसे आपको पीना वैसा ले सकते हैं। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून राजगिरा लिया है, जिसे कि मैंने 1 घंटा भिगा दिया था। ये चिरंजी दाने लिए हैं 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने भिगा दिए। ये मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए सब मैंने 1 घंटा भिगा दिए। अगर आपको चाहिए कि आप तुरंत इमिजिएटली पीना है, तो उसे आप गर्म पानी आप गैस पर बॉयल कर सकते हैं 10 मिनट तक, ड्राई फ्रूट को 5-7 मिनट तक। ये चिरंजी दाने लिए है, और ये मैंने 8 से 10 बादाम लिए है, और ये पिस्ता लिया है मैंने, 8-10 पिस्ता लिया है। और मैंने इसमें एक इलायची लिया है, इलायची दाना देख सकते हो आप। और ये मैंने इसमें 5-6 से 7 मैंने काली मिर्ची ली है, उसको हल्का दरदरा कूट लिया है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, मैंने दरदरा कूट लिया एकदम इसे, काली मिर्ची को। और मैंने इसमें कुछ केसर के दाने लिए हैं, केसर की पत्ती लिए कुछ, ये सब इसमें हम डाल देंगे अभी। ये मैंने राजगिरा डाला इसके अंदर, ये मैं चिरंजी दाना इसमें डाल दूँगी, ये मैं बादाम भी इसमें डाल दूँगी, ये पिस्ता, और ये इलायची, और ये काली मिर्ची थोड़ी सी, और ये सैफरन। इन सब के फ़ायदे भी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं ये बना रही हूँ, मैं आज हॉट मैं गर्म करूँगी इसे, थोड़ा बॉयल दूँगी इसे मैं। इन सबको अच्छा मिक्सी में हम अच्छा ग्राइंड कर लेंगे, जब तक एकदम अच्छा एकदम सब मसाला अच्छा मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने इसे अच्छा एकदम ग्राइंड कर लिया, जैसे हम शेक बनाते हैं वैसे। सब पिस्ता, बादाम, काली मिर्ची, चिरंजी दाने हमारे सब अच्छे से एकदम मिक्स हो गए इसके अंदर। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, ये मैं पैन में डाल रही हूँ, ये मिल्क। इसे आप ठंडा पीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तब मैं आपको दोनों बताती हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ। थोड़ा ठंडा बनाएंगे, थोड़ा गर्म भी बना लेंगे। देखिए, मैं इसे अच्छा उकाली दूँगी एक, जब तक इसमें अच्छा एक बॉयल आ जाएगा तब तक। ये देखिए, इसे हम अच्छा स्टर कर रहे हैं और अच्छा बॉयल कर रहे हैं। हमने इसमें बादाम डाला है, जो बादाम रहता है, बादाम में बहुत कैल्शियम होते हैं, फास्फोरस होता है, विटामिन ई होती है, विटामिन, और बादाम के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, एकदम हाई प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट है बादाम, तो कई बीमारियां दूर करता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हमारी हड्डियां भी मजबूत करता है। और जब हम बादाम भीगे हुए खाते हैं, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसे बादाम का दूध तो हमें ये पीना ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए। मैं थोड़ा गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे इसमें अच्छी खुशबू चाहिए, जो एक मावे की खुशबू आती है, ज़्यादा नहीं, इसे अच्छे बस हम 1 से 1.5 मिनट तो उकालेंगे। और इसमें हमने पिस्ता डाले, पिस्ता भी एंटीऑक्सीडेंट होती है, लो कैलोरीज होती है, हाई प्रोटीन होता है, और कैलेस्ट्रॉल जो होता है और ब्लड प्रेशर होता है वो लो करता है, और जिसका ब्लड का शुगर होता है वो भी लो रखता है। और पिस्ता के अंदर विटामिन B6 बहुत होता है, बोलते हैं ना विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपना सेवरल बॉडीली फंक्शन, जो अपने बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमें सेवरल के लिए B6 की बहुत ज़रूरत होती है। और इसके अंदर चिरंजी दाना डाले हैं, चिरंजी दाने में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है इसमें, ये कब्जी नहीं होती है, गैस नहीं होता है, और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है। और जो चिरंजी दाने होते हैं, इससे फेस पैक बहुत बढ़िया बनता है। आप चिरंजी दाने भिगा दीजिए 1 घंटा, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, थोड़ी सी हनी डाल दीजिए, और फेस पैक बना के अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट बना के उसे फेस पे लगा लीजिए, फेस में बहुत अच्छी शाइन आएगी, कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। 15 से 20 मिनट फेस पे रख लीजिए। और इसके अंदर हमने राजगिरा डाला है, राजगिरा तो पता ही है आयरन भरपूर होता है, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स। जैसे राजगिरा को हम एमरंथ बोलते हैं इंग्लिश में, जो बोलते हैं भाई कितने लोग को राजगिरा क्या है, इसकी हम ज़्यादातर फास्ट में यूज़ करते हैं, रोटी बनाते हैं, इसके चिले बनाते हैं, पेटीज बनाते हैं, कटलेट्स में लगाते हैं। कहते हैं ना, जो राजगिरा खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा ऋषि मुनि बोलते थे पहले आयुर्वेदिक के अंदर, कि भाई जो राजगिरा खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो हमें राजगिरा हमारे डेली सेवन में थोड़ा थोड़ा कैसे उपयोग करना चाहिए। और मैंने इसमें इलायची डाली है, इलायची तो आपको पता है वैसे भी डाइजेस्टिव है, सब सारे इन्फेक्शन दूर करती है, जो बैड ब्रीथ होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, कैंसर फाइट होती है। और मैंने इसमें सैफरन डाला, सैफरन तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, सैफरन ना ये वेट लूज के लिए बहुत अच्छी होती है। जो मैंने आपको सैफरन कावा बताइए था ना,
वो आप ज़रूर से पीजिए। और सैफरन जो होती है, जैसे डिप्रेशन पेशेंट जो होते हैं जिन्हें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें तो केसर डेली लेनी चाहिए। और कैंसर फाइट होती है, डायबिटीज़ के लिए अच्छी होती है। और काली मिर्ची डाली है, काली मिर्ची वैसे भी डाइजेशन हमारा अच्छा करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, स्किन प्रॉब्लम दूर करती है, हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें ये 7 चीज़ डाली। कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि भाई ये 7 चीज़ का सेवन जो करता है उसे 7 जन्म तक बीमारी नहीं होगी। तो देखिए अभी हमारा ये बहुत अच्छा घुल गया है। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे थोड़ा। मैंने अभी तक चीनी नहीं डाली इसके अंदर। आप अगर चीनी कम जैसे पसंद करते हो, मैं इसमें 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि ये मीठा थोड़ा अच्छा लगता है। और ठंडे वाले में भी हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे और थोड़ा आइस डालेंगे उसके अंदर। ये देखिए हमारा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अभी बस चीनी घुल जाए उतनी देर उसे हमें और उकालना है। अभी इसकी जो खुशबू आ रही है ना पूरे किचन में, बहुत अच्छी, इलायची की, केसर की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमें रात में सोने से पहले ज़रूर पीना चाहिए, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। देखिए इम्यूनिटी की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी, और जो वायरस है इसे हमें ऐसी चीज़ हमें सेवन करनी चाहिए, हमें ऐसा चीज़ इंटेक करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ का बेनिफिट हो इसके। तो हम क्यों नहीं ले गए, हमें नेचर ने गॉड ये गॉड गिफ्टेड है सब चीज़ें हमें, ये ड्राई फ्रूट्स, ये स्पाइसेस, यही हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें लीजिए, इंटेक कीजिए, बनाइए, पीजिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए अभी हम इसे सर्व करते हैं, ठंडा वाला भी और गर्म वाला भी। मैं ठंडा वाला आपको बताती हूँ, बर्फ़ डाल के थोड़ा सा बचा के रखा था। ये देखिए इसमें मैं 2 आइस डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि शुगर हमने डाला नहीं था पिसते वक्त, थोड़ा सा। और इसे भी अच्छा हम एकदम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम ठंडा और गर्म, जिसे जैसे आपकी श्रद्धा हो, आपको ठंडा पीना हो, आपको गर्म पीना हो, आप ऐसे ले सकते हो। ये देखिए ये गर्म वाला बहुत बढ़िया खुशबू है, और ये जो हमने ठंडा वाला बनाया है ये देखिए हमने दोनों कर दी ठंडा और गरम। अभी मैं इसमें गार्निशिंग के लिए मैंने ये पिस्ता लिया है, बादाम लिया है और चिरंजी दाने लिए हैं, तो मैं थोड़े थोड़े इसमें ऊपर से कर डाल दूँगी। ये देखिए ये बादाम डाल दिए मैंने इसमें, कुछ बादाम की कतरन भी और थोड़े से चिरंजी दाने, जब ये मुँह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें केसर डाल दूँगी ऊपर से, पत्ती थोड़ी सी। ये देखिए आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये देखिए ये गरम वाला मिल्क और ये ठंडा वाला मिल्क। चलिए अभी हम इसे सर्व करते हैं ट्रे में। ये देखिए मसाला मिल्क एकदम हेल्दी वाला, हॉट भी और कोल्ड भी दोनों बनाए हमने। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी डिश के साथ में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।